दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे जहाज के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सभी लोगों का यही कहना था कि ये कभी नहीं डूबेगा, लेकिन ये जहाज अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश पैसेंजर जहाज टाइटेनिक की। तो आइए जानते हैं टाइटेनिक जहाज की यात्रा के दौरान क्या हुआ था। दोस्तों, टाइटेनिक जहाज जब बनकर तैयार हुआ था तब इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। वॉशिंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटेनिक जहाज की ऊंचाई करीब 17 मंजिला इमारत के बराबर थी और इस जहाज की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर थी। टाइटेनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज को करीब 5,507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटेनिक जहाज ने अपने सफर की शुरुआत की तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजरों की संख्या 2000 से अधिक थी। यात्रा के शुरू के 4 दिनों तक ये जहाज बिना किसी समस्या के अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यात्रा के 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 पर टाइटेनिक जहाज की टक्कर बर्फ के पहाड़ से हो गई। हालांकि टक्कर से कुछ मिनट पहले टाइटेनिक जहाज का अलार्म बजा था, लेकिन तब तक जहाज को घुमाकर रास्ते से हटाया जाता, तब तक टक्कर हो चुकी थी। जब यह हादसा हुआ था तब टाइटेनिक जहाज 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। बर्फ से टकराने के कारण टाइटेनिक जहाज के 2 हिस्से हो गए। जहाज में तेजी से पानी भरने लगा। टाइटेनिक का अगला हिस्सा धीरे धीरे पानी में डूबने लगा और यह देख लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट को उपयोग में लाया जाने लगा, लेकिन टाइटेनिक जहाज पर 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी, जो सारे लोगों को बचाने के लिए काफी नहीं थी। यह सब देख लोगों ने तैर कर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का तापमान 2 डिग्री होने के कारण वह अपनी जान नहीं बचा सके और इसी कारण तकरीबन 700 लोगों की जान बचाई गई और करीब 1500 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूब रहा था और जहाज के 2 टुकड़े होने के कारण इसका पिछला हिस्सा उठा हुआ था। बर्फ से टकराने के बाद करीब 2:40 बाद यानी 2:20 में ये जहाज पूरी तरह से पानी में डूब गया। जब टाइटेनिक जहाज बर्फ के पहाड़ से टकराया था तब यह जहाज 2 टुकड़ों में बट चुका था। हालांकि यह अभी तक कोई नहीं जानता जहाज के 2 टुकड़े कैसे हुए और यह अभी तक सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। टाइटेनिक जहाज सन 1912 में डूबा था, लेकिन 1985 में जाकर इसे ढूंढा जा सका। मतलब टाइटेनिक जहाज को ढूंढने में करीब 73 साल का समय लगा था। दोस्तों, आज तक टाइटेनिक जहाज पर कई सारी फिल्में बन चुकी है, लेकिन इन सभी फिल्मों में से 18 नवंबर 1997 को रिलीज हुई टाइटेनिक फिल्म सबसे ज्यादा हिट रही थी। हालांकि एक रिसर्च के अनुसार कहा जाता है कि इस फिल्म को बनाने में जितना खर्च आया था उतना खर्च टाइटेनिक जहाज को बनाने में भी नहीं आया था। दोस्तों, कहा जाता है उस समय टाइटेनिक जहाज को बनाने में करीब $7.5 मिलियन का खर्च आया था।